दोस्तों, अगर जो डेली आप यूट्यूब पे ऑनलाइन अर्निंग करने का कुछ नया ट्रिक ढूंढते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ऑनलाइन अर्निंग करने का एक एआई मॉडल बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एक एआई वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। उस वेबसाइट पे जाके आपको शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना है, यानी कि शॉर्ट में एड क्रिएट करना है, और उस एक एड से आप तीन तरह से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीका बताने वाला हूं, एक भी तरीका का जो आप पकड़ लेते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहां पे सिर्फ तरीका बताने वाला हूं, आपका काम मैं खुद करने नहीं आऊंगा, तो इसलिए आप यहां पे मन लगा के अच्छे से काम कीजिएगा। नए नए ट्रिक आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, मैं आपको केवल तीन ट्रिक बता रहा हूं, इसके अलावा भी आप इसका यूज करके और भी जगह से अर्निंग कर सकते हैं। मुझे बस इतना पता है दोस्तों कि मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही जबरदस्त है, वहां पे अगर जो आप काम करते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे भाई कि आप कितना अच्छे से वहां पे काम करते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ये जाके गाइड देखिए, ये सर्वे पूरा कीजिए, इस तरह के काम कीजिए, आपको वहां पे अर्निंग हो जाएगी। बट वहां पे अर्निंग हो जाती है थोड़ा बहुत, सर्वे पूरा करते हैं, ऐड देखते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अर्निंग हो जाएगी 10-20-50 रुपए की, बट आपको अच्छी खासी अर्निंग कोई नहीं होती है। लेकिन इस काम को करते हैं आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि भाई मैं आपको कोई स्किल सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाके स्किल सीखिए तब जाके आप काम कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। 5 मिनट का काम है वो अगर जो कर लेते हैं, बस आपको काम ढूंढना पड़ता है। तो काम के लिए आपको मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे आप यहाँ पे काम ले सकते हैं और उस काम को करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएम टेक। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। अगर जो आपके पास मोबाइल फोन है तो भी आप इस काम को इजिली कर सकते हैं। सभी जो काम है दोस्तों वो मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आप अपना काम चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, आपको भी अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लेना और वहां पे सर्च करना है bulbee.tech, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे नीचे का जो आके कुछ रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं, वैसे वो फॉर्मेलिटी है, आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो का यहाँ पे टेम्पलेट दिया गया है कि किस तरह आप वीडियो एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपको आना है यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे एरो लेकर जाना है और यहाँ पे कई 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपको ये बूल वीडियो लाइट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्ट या यूआरएल और इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको यूआरएल इम्पोर्ट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको रिसेट कर देता हूँ, आप जब ओपन करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने दिखने वाला, ठीक है। ये स्मार्ट वीडियो मेकर पे ही रहना चाहिए, ये डाउनलोड हिस्ट्री है, थर्ड वाला यहाँ पे प्राइजिंग का ऑप्शन है, तो आपको फर्स्ट वाले पे ये रहना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक लिंक पेस्ट करना है। लिंक किस चीज का पेस्ट करना है, मान लेता हूँ आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसका एड बनाना, मान लेता हूँ मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है इसका मुझे एड बनाना, तो इसी प्रोडक्ट का मुझे लिंक यहां से इंपोर्ट करना है। अब उसके अलावा मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकता हूँ, मान लेता हूँ ये वाला चाहिए मुझे, तो ये वाला मैं सेलेक्ट कर लूंगा इस पे, और इसका जो लिंक है ये वाला वो कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यही करना है, तो मैं इसका लिंक ये जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। आपको प्रोडक्ट पहले ओपन कर लेना है फिर आपको कॉपी करना है, ठीक है। अब किस किस प्रोडक्ट का ये बना के देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका लिंक जो है ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना और वही लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको अलग से कोई इमेज है आपके पास वो ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे इमेज यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, ये सभी इमेज ये डायरेक्ट ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अलग से अगर जो इस प्रोडक्ट का अगर जो आपको इमेज है यहाँ पे डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करके आप इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बूस्ट योर ब्रांड, इंक्रीज सेल और इंट्रोडक्ट योर प्रोडक्ट, 3 तरह के ऑप्शन है, तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंक्रीज सेल्स में मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा जो सेल है वो इंक्रीज हो, तो ये आपका कस्टमर खुद बताएगा कि आपको किस तरह का ऐड चाहिए, तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे वीडियो जनरेटर का ऑप्शन है, उससे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन है वीडियो रेशियो का, तो आप अगर जो शॉर्ट के लिए बना रहे हैं तो ऑफकोर्स एड बनाएंगे तो आप शॉर्ट के लिए ही बनाएंगे तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जो आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं या फिर फेसबुक वीडियो के लिए बना रहे हैं तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं पहले शॉर्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जनरेट वीडियो पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपका जो वीडियो होगा वो जनरेट होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो वीडियो है वो जनरेट हो गया, 10 सेकंड का एड मेरा बन गया। ये मैंने इसका ऑडियो जो है वो म्यूट किया है, क्योंकि अगर जो इसका ऑडियो मैं म्यूट नहीं करूंगा तो इसके ऑडियो के जर पे इसका म्यूजिक आने लगेगा।
अब ये अगर जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसमें एडिटिंग भी कर सकते। एडिटिंग के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ क्रॉप करना है या फिर यहाँ पे कुछ अपडेट करना, तो वो सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ अपडेट करना है, इसमें फोटो अलग करना है या कुछ और करना है, तो अपडेट फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं या फिर अपडेट फ्रॉम प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करके ये चीज यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अगर जो इसमें कोई मिस्टेक हो जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना लोगो भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको रिमूव करना चाहते हैं, आपको लोगो नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर देंगे। इसमें कोई कलर रखना चाहते हैं तो कलर कर देंगे। कुछ यहाँ पे कंप्यूटर में अपने लोगो रखे हैं आप तो वो डाल सकते हैं, या फिर लिंक के थ्रू आप अपना जो लोगो वो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों तो ये हो गया, तो ये मान लेता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, आपको दूसरी तरह चाहिए, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है बैक। यहाँ पे फिर से आपको वही चीज करना है, रिसेट। रिसेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से लिंक को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने इंक्रीज सेल का ऑप्शन डाला था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन और प्रोडक्ट का ऑप्शन इस पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जनरेटिंग वीडियो का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देंगे, फिर से ये वीडियो जनरेट करके देगा। तो इस बार मुझे दूसरे तरह का वीडियो ये जनरेट करके देगा, तो वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह का मुझे मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मुझे ये दूसरा वीडियो जनरेट करके दे चुका है। तो अगर जो आपको ये चीज पसंद नहीं आता तो फिर से आपको जाना, सिर्फ लिंक पेस्ट करना है, फिर से आप वहां पे जनरेट कर देंगे, फिर से दूसरा वीडियो ये जनरेट करके दे देगा, ठीक है। आपको जो डिजाइन है वो अलग अलग ये बना करके हर बार देगा, तो आप इसको अगर जो कुछ एडिट करना चाहते हैं इसका नाम या फिर कुछ, तो यहां से एडिट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो आपको यहाँ से ऐड बनाना हो तो बहुत ही परफेक्ट वेबसाइट है। मोर वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑल डिजाइन और भी सभी चीजें आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे इसमें कुछ एडिटिंग करना है कि मतलब ये टेम्पलेट मुझे नहीं पसंद है, इस तरह का मुझे नहीं पसंद है, इस तरह का मुझे चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोर वीडियो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सभी टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे और यहाँ से कोई भी टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर जो ये वाला टेम्पलेट आप यूज करेंगे तो देख सकते हैं किस तरह का आपका वीडियो दिखाई देगा, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अगर जो यूज करते हैं तो इस तरह का आपका वीडियो दिखाई देगा, मतलब ऐड जो मैंने आपको बोला तो वही ऐड दिखाई देगा। ये वाला यूज करेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा, ये वाला यूज करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, बहुत सारे हैं। आप नीचे आएंगे तो 5 पेज तक जा सकते हैं, मतलब इतना बहुत ज्यादा ऐड हो गया। अगर जो किसी को चाहिए तो यहाँ पे आके ये सिर्फ आप टेम्पलेट्स में भेज सकते हैं कि भाई मैं इस तरह का बना सकता हूँ, इस तरह का बना सकता हूँ, इस तरह का बना सकता हूँ, तो आपका यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक इशू है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इशू क्या है, कि आपको यहाँ पे जो ये रिमेनिंग डाउनलोड देता है ये 5 देता है, यानी कि आप 5 टेम्पलेट्स ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बनाने का नहीं बोल रहा है, केवल डाउनलोड करने का। जब यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो 5 टेम्पलेट से ज्यादा एक ईमेल आईडी से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप टेम्प मेल का यूज कर सकते हैं। आप एक ईमेल यहाँ से यूज करेंगे, 5 वीडियोस डाउनलोड करेंगे, फिर दूसरा यहाँ पे ईमेल यूज करेंगे, फिर 5 वीडियो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। अब अर्निंग करने का हमारा जो फर्स्ट तरीका है दोस्तों वो है फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो पीपल पर हावर हो या अपवर्क हो, उस पे जाके अकाउंट बना लेंगे और वहां पे अपना एक अकाउंट बनाने के बाद आप अपने प्रोफाइल में लिख देंगे कि आप शॉपिफाई का ऐड क्रिएट करते हैं, ठीक है। शॉपिफाई का प्रोडक्ट का ऐड आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ से काम मिल सकता है। और एक एक ऐड क्रिएटिंग का आपको देख सकते हैं 3,000 रुपए, 1,700 रुपए, 1,700 रुपए, यानी कि 3,000, 2,000, 2,500, 9,000 रुपए, और यहाँ पे ये बंदा 48,000 रुपए लेता है एक एक ऐड क्रिएट करने का। तो आप यहाँ पे ऐड क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये देख सकते हैं शॉपिफाई पे वीडियो, फेसबुक पे ऐड क्रिएट कर रहे हैं, केवल आपको ऐड वीडियो क्रिएट करके देना है, ठीक है। उसके आप यहाँ पे 1,000 से 1,500 रुपए एक एक ऐड का ले सकते हैं इजिली, और यहाँ पे काम करके अर्निंग कर सकते हैं। अब फाइबर पे अगर जो आपको कंपटीशन ज्यादा लग रहा है तो आप पीपल पर हावर ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे कंपटीशन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकंड तरीका बताने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वेबसाइट है वो केवल शॉपिफाई स्टोर पे, यानी कि जितने भी स्टोर शॉपिफाई वेबसाइट पे बने हैं उन्हीं के प्रोडक्ट का लिंक अगर जो आप उठाएंगे और यहाँ पे डालेंगे तभी ये वीडियो जनरेट करके देगा। अदरवाइज अगर जो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी अन्य वेबसाइट से उठाते हैं तो उसका ये वीडियो क्रिएट करके नहीं देने वाला, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि शॉपिफाई स्टोर ही हो। अब लोगों को यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर खोजने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर पे हूँ, ये शॉपिफाई स्टोर है,
ऐसा नहीं है कि शॉपिफाई स्टोर का मतलब हुआ दोस्तों कि ये शॉपिफाई इस पे लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस स्टोर का लिंक मैंने कॉपी किया था और इसी पे मैंने वीडियो जनरेट किया था। अब इस बंदे से सेकंड मेथड यही है दोस्तों कि आप इस बंदे से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसके प्रोडक्ट का 2-3 एड बना के आप डाउनलोड करके इसको दे सकते हैं कि भाई देखो मैं आपके लिए इसी तरह एड बना सकता हूँ हर एक प्रोडक्ट का। अगर जो आप किसी एड वाले को जानते हैं जिससे आप एड बनवाते हैं, ठीक है, ये एड बनवाते होंगे, आप उसको अगर जो $50 $100 दे रहे हैं तो मुझको $20 दीजिए, $30 दीजिए, $10 ही दीजिए, $5 में भी आप बना के दे दीजिए, आपका कहीं पे पैसा नहीं लगने वाला है और ना ज्यादा फालतू में आपका मेहनत लगने वाला, ठीक है। तो आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं एक कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है यहाँ से भी, और यहाँ पे इनका है जो पिंटरेस्ट का अकाउंट है और इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो वहां से भी इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर जो वहां पे ये मैनेज हो जाए तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब लोगों को यहाँ पे एक डाउट हो जाता है कि भाई शॉपिफाई स्टोर हम ढूंढे कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे एक पेज का लिंक दे दूंगा। यहाँ पे 50 से ज्यादा शॉपिफाई स्टोर है, उसके अलावा भी आप जाके गूगल में ढूंढ सकते हैं, बेस्ट शॉपिफाई स्टोर आप डालेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप स्टोर ओपन करेंगे, उसका लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करके वीडियो जनरेट कर एक बार देख लेंगे कि उस स्टोर का जो भी प्रोडक्ट है उसका वीडियो जनरेट हो रहा है या नहीं, तब उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 50 से ज्यादा स्टोर है, ठीक है, 50 तो यहाँ पे दिया गया, 50 प्लस स्टोर है, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट कर से अगर जो आपको 2-3 बंदे भी मिल जाए, ठीक है, या फिर एक ही वेबसाइट वाला केवल मान जाए, तो आपसे ये डेली बेसिस पे या फिर 2 दिन पे 3 दिन पे महीने में 10 एड 15 एड भी बनवा लेता है तो $200-$300 आप इजिली अर्न कर सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड तरीका दोस्तों, उसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद का एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कीजिए और उसके प्रोडक्ट का आप एड बनाइए और एड बना के आप शॉर्ट वीडियो से इंस्टाग्राम ट्विटर सभी जगह वो पोस्ट कीजिए और वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब इसका स्टोर अगर जो आपको बनाना है दोस्तों, तो पहले 3 महीने में आपको केवल 20 रुपीज का पर मंथ के हिसाब से लगेंगे, यानी कि 60 रुपीज में आप 3 महीने में इसको चला सकते हैं। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, 60 रुपीज आप यहाँ वहां बहुत जगह ऐसे खर्च कर देते होंगे, आप इसको ले लीजिए। 3 दिन आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं बिना क्रेडिट कार्ड के, उसके बाद आप इसमें जो 20 रुपए यहाँ पे 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से है, 3 महीने का पैकेज इसका ले लेंगे, उसके बाद अगर जो आपको अर्निंग होती है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका जो भी प्राइस है यहाँ पे ये वाला पर मंथ के हिसाब से, ये वाला ले सकते हैं बेसिक वाला, 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका पड़ेगा, लेकिन आपको अर्निंग होती है उसके बाद, ठीक है। 3 महीने पहले आप करेंगे 60 रुपीज में, उसके बाद आपको अर्निंग होना चालू हो जाए तो आप ये वाला प्राइस ले सकते हैं इनका और यहाँ से वीडियो बना के आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस था दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।